कुणाल जा रहे हैं साहिल को बचाने के लिए, किसकी शादी से कुणाल जा रहे हैं? साहिल को बचाने कुणाल जा रहे हैं? साहिल नहीं कर रहे वापस ओके कुणाल जा रहे हैं करण को बचाने जी, थैंक्स टू माय बीवी, ये मुझे भेज रही है चाक करण की इज्जत को बचा खतरे में करण की इज्जत। तो मैं बस जाता हूँ, पर मेरा भी वहाँ कुछ ज़्यादा भाव मिला नहीं मुझे, बेइज्जती हो गई, करवा दी बीवी ने बेइज्जती। बताओ, इतना प्यार करता हूँ कि अपनी बेइज्जती कराने पे भी तुला हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यू शुड थैंक मी और यू शुड थैंक गॉड की इतना अच्छा पति मिला, उसके लिए तो करती। अभी सुना फुल ड्रामा होने वाला है, पूल वूल में गिर जाएंगी, कुछ ऐसा होगा जी, कुछ आग लगने वाली है, पूल में गिरेंगे। तो मुझे भी नहीं पता था आग लगने वाली है। मुझे सब पता है, आग लगेगी फिर पूल में गिरेंगे, फिर कोई किसी को बचाएगा, कोई किसी को बचाएगा, वो आप शो में ही देखेंगे तो मजा आएगा। देखना तो ऐसा क्या लगता है कि कुणाल को भेज रही है करण के पीछे और सामने की क्या ऐसी चीजें, पता ना कुणाल अब इतना हैंडसम पति है, चार्मिंग है, तो जाके चार्म कर लेगा उसको, थोड़ा सा ध्यान बटा दे जी। पर वो उसका मोटिव ही अलग है ना, उससे स्मार्ट हैंडसम से कुछ लेना देना नहीं है, उसका मोटिव ही अलग है। स्मार्ट हैंडसम से लेना देना नहीं है यार, उसे पैसे से मतलब है, साजिश करने आई है। उसे पता है ना सच्चाई, और मैं मैरिड हूँ ना, मैं तो इनका हूँ, तो मैं नहीं फिसलने वाला, लॉयल हस्बैंड हूँ। तो अभी करण की शादी हुई नहीं है तो इसलिए उस पर चांस है। अच्छा, तो मतलब मेघना को भी कहीं ना कहीं डर है कि नैना और करण को वो अलग कर सकती है? अलग कर सकती है, उससे ज़्यादा इस बात का है कि वो डिस्टर्ब कर रही है उन दोनों को, और शादी का माहौल है, मैं चाहती थी कि दोनों एंजॉय करें, चीकू एंजॉय करें, जो वो नहीं कर पा रही है क्योंकि इसके वजह से डिस्टर्ब हाँ, तो होती बीच है ना, बीच में आ जाती है डिस्ट्रैक्ट करने करण को। अच्छा स्वाभिमान जब से शुरू हुआ है तब से लुक के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो आज भी काफ़ी अच्छी लग रही है। थैंक यू ना, ये हमेशा ही अच्छी लगती है, पता नहीं बालों के साथ कुछ कर लेती हैं, एकदम डिफरेंट लगने लग जाते हैं। आंखों के साथ कुछ कर लेते हैं आजकल, तो आंखों के साथ एक्सपेरिमेंट बहुत चल रहे हैं। आंखों की लुक के बारे में, लुक तो इस बार आपने देखा होगा सबने हरा रंग पहन रखा है, सो ग्रीन है, और ये जो हो रहा है इसे क्या कहते हैं, दीप महोत्सव, दीप महोत्सव, दीप महोत्सव। सो लुक में एक घाघरा चोली है और दुपट्टा है जिसे ऐसे अलग तरीके से ड्रेस किया हुआ है, सारी सारी स्टाइल में, पानी की बॉटल भी है और हाँ ये साइड बन है, साइड में सी बन, कुंदन ज्वेलरी, राइट कुंदन ज्वेलरी है, थैंक यू। और नोज पिन जो है वो पर्सनलाइज्ड है, मुझे बताया गया था, बनवाई गई है खास, तो उसके लिए बड़ी खुशी हूँ मैं। तो कुछ तारीफ तो बनती है बस। मैंने बोला ना कि मतलब ये हर गेटअप में इतनी खूबसूरत लगती हैं, और इनके बालों से थोड़ा सा भी अगर एक्सपेरिमेंट करती हैं तो एकदम लुक चेंज हो जाती है, एंड इतनी सुंदर आंखें हैं तो बस मैं तो आंखों में ही देखता रहता था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी मैं तो टच वुड आई हैव रिकवर्ड, और मुझे 3-4 दिन हो गए हैं, मेरी आंख एकदम ठीक हो गई थी, पर अनफॉर्चुनेटली ये इन्फेक्शन समृत को भी हो गया, इट्स अ सीरियस मैटर, और हमारे एक मेकअप आर्टिस्ट है समृत को भी हो गया, और मेकअप आर्टिस्ट उसको भी हो गया, तो मेरे को भी किसी के थ्रू ही हुआ था, जब हम सेट पे थे एक और कोई एक्टर आए हुए थे, सो उनसे मुझे आया, और आई गेस अब मुझसे समृत को आया, क्या है आई डोंट नो, बट इट्स अनफॉर्चुनेट, तो बिल्कुल अलग ही था, वो आई फ्लू था शायद, नहीं इट वाज कंजक्टिवाइटिस एंड द इन्फेक्शन वाज रियली बैड, एंड वो 10-12 दिन बहुत ही खराब थे मेरे लिए, बट आई जस्ट होप समृत जल्दी रिकवर करे। अच्छा उसने बहुत जल्दी प्रिकॉशंस ले लिए, जल्दी हो जाए, इसने 2 दिन तो नहीं, बट ठीक है, उसकी शादी भी होने वाली है बेचारे, तो वी शुड जस्ट रिकवर। चलो इस बारे चश्मे लगाने का मौका मिल गया शो में, थैंक यू थैंक यू गाइस, थैंक यू। जाने दो जाने दो जाने दो, जाइए जाइए आप जाइए,